वेलकम बैक टू मेमोरी जीनियस चैनल। काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था फोटोग्राफिक मेमोरी को लेके कि सर ये कैसे काम करती है, होती क्या है, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है, फोटोग्राफिक मेमोरी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब क्या है। ये थोड़ा सा साइंस है जो हमारा वैदिक मेमोरी मेथड्स है उसके पीछे, वो कैसे काम करते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी बेसिकली कैसे काम करती है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, ये आपका जो हिडन पोटेंशियल है या हिडन मेमोरी जीनियस है वो अनलॉक कर सकता है, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से आपको समझना है, सुनना है, राइट? तो सबसे पहले तो एक जो डाउट है स्टूडेंट्स के मन में कि वो ये समझते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी मींस जैसे कुछ भी मैंने देखा, राइट, वो एज इट इज जो है मेरे मेंटल स्क्रीन में, मेरी मेमोरी में छप गया, प्रिंटेड हो गया। देखिए, ऐसा नहीं होता। ये जो चीज है कि एज इट इज जो भी मैं देख रहा हूं, सेम बाय क्लोजिंग माय आईज, सेम पिक्चर, सेम डिटेल के साथ अगर मैं देख पा रहा हूं, सो दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी, राइट? लेकिन बेसिकली जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें क्या है फोटोग्राफिक मेमोरी? हाँ ठीक है, ये है कि हम चीजों को जो है विजुलाइज करते हैं फर्स्ट स्टेज में, और जो सेकंड स्टेप है वो रिकॉल का है, राइट? तो डिपेंड करता है कि आप कितने समय के बाद उस विजुअल इंप्रेशंस को रिकॉल कर रहे हैं। ये जो बात है कि वो एज इट इज जो फोटोग्राफिक मेमोरी, जो भी फोटोग्राफ में देख रहा हूं रियल टाइम में, मैं 3D की बात कर रहा हूं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, राइट? जिसे मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोटेंशियल ऑफ द फोटोग्राफिक मेमोरी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनमें पॉसिबल है, राइट? जैसे स्वामी विवेकानंद जी या निकोला टेस्ले, या फिर जो साधक हैं, राइट, बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करते हैं, तो वहां पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की बात करूं तो फोटोग्राफिक मेमोरी हाँ कुछ लेवल तक जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। हाँ, अभ्यास अगर इसका किया जाए रेगुलर फैशन में तो हो सकता है इसकी डिग्री बढ़ जाए, राइट? लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो भी हमने विजुअल देखा या जो भी मैं इमेजिन कर रहा हूं, राइट, और आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स में सेम चीज को बोलूं कि आप रिकॉल कीजिए, तो उसका हाईएस्ट डिग्री डिटेल तक उसको विजुलाइज कर पाना इट्स यू नो द डिफिकल्ट टास्क। इवन मैं अगर अपनी मेमोरी की भी बात करूं तो बिल्कुल तो मेरी भी नहीं है, राइट? क्योंकि ये देखिए, ये ट्रेन किया जाता है मेमोरी को, ठीक है? कुछ हम कुछ चीजें जो है ना फोटोग्राफिकली हम जैसे याद करते हैं, एक या दो ऑब्जेक्ट हम याद कर सकते हैं। जैसे एक रूम की पिक्चर दिखाओ और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? और मैं आपको बोलूं कि ये अब 10 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि सेम पिक्चर जो है आप विजुलाइज करेंगे और मुझे बताएंगे डिटेल्स के साथ, राइट? तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप सभी ऑब्जेक्ट्स जो रूम के अंदर पड़े हुए हैं एक एक ऑब्जेक्ट को रिकॉल कर पाए। एक दो या तीन ऑब्जेक्ट जो प्राइमरली, राइट, जो फोकस में है वो याद हो सकते हैं, राइट? लेकिन इतनी डिटेल के साथ सभी ऑब्जेक्ट्स को मतलब याद कर पाना इज गोना बी ए टफ टास्क। तो हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लोग हैं उनमें शायद ये हुआ होगा पॉसिबल, राइट? आई कांट से, राइट? लेकिन हाँ, फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन इसे अगर हम ट्रेन कर ले प्रॉपर विल पावर के साथ तो ये काम करती है। ऐसा हो सकता है कि काफी डिटेल तक, काफी एक्सटेंट तक हम चीजों को रिकॉल कर पाए। तो जहां तक वैदिक मेमोरी मेथड्स का सवाल है, उसमें जैसे काफी सारी हमने यौगिक क्रियास जो हमने बताई है, जैसे हम जीभ को तालू पे लगाने को बोलते हैं, टंक क्रिया है, राइट, और योगा है, प्राणायाम है, ब्रेन मसाज, हीलिंग है, बहुत सारे टॉपिक्स में हमने वीडियो भी किया है। तो आप देखिए, देखो रेगुलर वे में अगर उसको प्रैक्टिस किया जाए, ये सारी की सारी जो मेमोरी पोटेंशियल है ना, ये देखो रिलेटेड है विद आवर लाइफस्टाइल, कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर लाइफस्टाइल पैसिव है तो ये मेमोरी पोटेंशियल नहीं डेवलप हो सकता। लाइफस्टाइल में देखो सभी चीजें आ गई, आपका सोचने का जो पैटर्न है वो कैसा है, क्या डाइटरी
आप इनपुट ले रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप क्या खा रहे हैं, खाली कार्ब खा रहे हैं, बैलेंस डाइट लेना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी ब्रेन फूड्स हैं राइट, प्रोटीन है या विटामिंस है, ये सभी चीजें मींस वैदिक डाइट के लिए आप चाहें राइट प्रॉपर, और साथ में योगा प्राणायाम जो भी है नॉर्मल वो आप करें, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो फोटोग्राफिक मेमोरी में देखने को मिलेगा। और चीजें जब भी याद करें तो वैदिक मेमोरी मेथड से ही याद करें, तभी उसका सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज कुछ भी आप स्टैटिक इंफॉर्मेशन आज मेमोराइज कर लेंगे, कल परसों वो डिम होती चली जाएगी, मींस भूलती चली जाएगी। तो आप जो मेमोरी प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उनको थोड़ा सा लगा के और प्रैक्टिस करें राइट। तो कुछ आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें हैं उनको मैं दोबारा से बताऊं, लाइक जीके एक टॉपिक है या वोकैबुलरी है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कैसे याद करनी है, तो मैं थोड़ा सा और सीरीज जो है वो डिटेल में बनाऊंगा। लेकिन साथ साथ सेमिन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप इज रिटेनिंग ऑफ द सेमिन एंड द सेकंड इज इट्स ट्रांसपोर्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन का डायरेक्ट इनपुट अगर कोई है तो वो सेमिन है, सेमिन एनर्जी है राइट। इस चीज को आप ध्यान रखें राइट। और वही बात है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि नहीं सर हम तो लस में हैं, गंदी हैबिट्स हैं, कैसे करें। देखिए लव, लव से रिप्लेस कीजिए आप लस्ट को राइट। जिस दिन अगर आप ये सीख गए कि लव क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, ऑटोमेटिकली जो लस्ट है वो ट्रांसमिट हो जाएगी लव के अंदर ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक्स बताया अपने पावर को, अपनी जो कुंडलनी शक्ति कह लीजिए या सिमिन शक्ति कह लीजिए, इसको आप ऊपर उठाएं, कंटिन्यूस पे वर्कआउट करें। और ये चीज एंटी एजिंग के साथ भी रिलेटेड है राइट। बहुत देर तक आप यंग रह सकते हैं, ऐसा काबिलियत है आपके अंदर ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली ट्रेन करेंगे अपने आप को, एक एंथुजियाज्म में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सभी चीजें योग करते हैं, तो इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप हिम्मत ना हारे बिल्कुल भी, ये मत बोले कि सर एक या दो दिन हम एक हफ्ता एक महीना तक करते हैं लेकिन फिर जो है हमारा एंथुजियाज्म लूज हो जाता है, उसको कॉन्स्टेंट रखें, बार बार अपने आप को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन राइट। तो गोल अपने जो है आंखों के सामने रखें, उसको अचीव करने के लिए सोचें, डेली प्रयास करेंगे तो 100% आपका ये जो एंथुजियाज्म है डाउन नहीं होगा राइट। और लोगों को भी आप इंस्पायर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं, सेम चीजें जो मैं आपके साथ ऐसे शेयर कर रहा हूँ आप उनके साथ शेयर करें, तो इससे भी एक इंस्पायरिंग मोड में आप चले जाएंगे राइट। जब वो आपकी बात मानेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी एक कॉन्स्टेंट सेल्फ मोटिवेशन हो सकता है, आपके मेमोरी जीनियस को अनलॉक कर देगा। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है, आप इसको फॉलो अप करेंगे लाइफ में तो डेफिनेटली You will going to unlock your hidden memory genius. साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल राइट, आप ज्वाइन कर ले, आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के साथ। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट our courses, आप कॉमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए राइट। सो विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच।